दोस्तों बात करने वाले यस बैंक स्टॉक के बारे में। देखो दोस्तों, यस बैंक में आज फिर हमें गिरावट देखने को मिली है, 2% के आसपास स्टॉक गिरा है। देखो डेली बेसिस फिर से गिर रहा है, और अगर आप देखेंगे कल तेजी थी, आज गिरावट चल के आ रहा है। अगर दोस्तों मार्केट में देखा जाए, मार्केट में एक अच्छा बाउंस है, पूरा ट्रेड डाउन था आज। देखो मैं आपको गिरावट के पीछे वजह समझाता हूँ। देखो दोस्तों, कल एक बड़ी ब्लॉक डील यहाँ पे देखने को मिली थी। लोगों ने ब्लॉक डील को, देखो ब्लॉक डील का पता कब चला, जब मार्केट क्लोज हुआ। जैसा कि अपना वीडियो आया था भाई, वो भी मार्केट क्लोज होने के बाद ही देखने को मिला था। अब लोगों ने भाई इसको उल्टा ले लिया, लोगों ने उल्टा क्या, इसको नेगेटिविटी लिया, मार्केट ने नेगेटिविटी क्यों लिया, क्योंकि ब्लॉक डील का मतलब है किसी ने बेचा है, ठीक है ना। अब उल्टा साइड है इसका दूसरा, कि किसी ने खरीदा भी है। बट यहाँ पे अगर दोस्तों बेचा है तो किसने बेचा है, देखो सबका सब एसबीआई पे ही जाता है। जैसा कि एसबीआई का हाल ही के अंदर हमने अपडेट भी देखा था, एसबीआई ने कहा था कि मैं होल्डिंग नहीं बेचूंगा। देखो हमें करना क्या है, हमारा व्यू हमें देखना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें रिटर्न की, पिछले 5 दिन से रेगुलर गिर रहा है, 10% तक का करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका है। पिछले 1 महीने में देखा जाए जो रिटर्न यहाँ पे अराउंड 20-22% का बन चुका था, वो करेंटली दोस्तों 15% करके डूब चुका है। अब यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि देखो मेन इंपॉर्टेंट तो ये है कि यहाँ पे लोगों का लॉस बढ़ रहा है। जिन लोगों ने 30 के आसपास खरीदा है, आस में बैठे हैं कि भाई रिकवरी करेगा, बिल्कुल रिकवरी होगी, आपको चीजें समझना पड़ेगा। पहले अपडेट्स का मैं थोड़ा डाटा आपको समझाता हूँ कि आज हमारे सामने अपडेट क्या थे। उससे पहले जैसा कि बैंकिंग स्टॉक का आज परफॉर्मेंस अगर देखें, तो कुछ ज्यादा यहाँ पे इनमें बड़ा बाउंस हमें देखने को नहीं मिला। देख सकते हो खासकर जो मिडके वाले थे उनमें वॉलिटिलिटी हमें नजर आई। अब थोड़ा न्यूज बेसिस से कल देखिए, जो अपडेट था दोस्तों, अपडेट कल का था। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, सेल्स ऑन यस बैंक से अराउंड वर्थ 1056 करोड़ के यहाँ पे जो कार्यालय उसकी तरफ से सेल्स हमें देखने को मिली थी। कल का ये अपडेट है, 19 घंटे पहले का अपडेट है यहाँ पे, आप ये मान के चलो। एंड देख सकते हैं यहाँ पे भी दोस्तों वही है, बिजनेस जो टुडे का अपडेट है, इसमें भी आप देख सकते हैं इसकी तरफ से दोस्तों एक अराउंड, देखो जो आज गिरावट है दोस्तों वो मेन वजह इसका यही है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड डील थी अराउंड 1.3% शेयर यहाँ पे सेल किए गए किसकी तरफ से, कार्ली कार्ली ग्रुप की तरफ से, ठीक है ना। एंड इसकी वर्थ अगर देखा जाए तो 1057 करोड़ रुपए की वर्थ थी भाई, मतलब 1057 करोड़ के शेयर इन्होंने बेचे हैं। तो इसकी वजह से दोस्तों मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया। इसके बाद आप देखेंगे तो हमें दोस्तों गिरावट देखने को मिल रही है। अगर अदर अपडेट की बात करूं दोस्तों आज का, अभी जस्ट अभी का, तो अभी के टाइम कोई भी अपडेट हमारे सामने देखने को नहीं मिल रहा है। अब हमें दोस्तों देखना है कि गिरावट कहां तक जाएगी, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बनने वाले स्टॉक के, एंड क्या हमें वेट करना चाहिए। देखिए दोस्तों अगर डाटा देखा जाए, 2% की गिरावट थी, एंड गिरावट भाई वॉल्यूम के साथ देखने को मिली। ऑलराउंड यहाँ पे 20-21 करोड़ शेयरों की हमारे सामने वॉल्यूम नजर आई। करंटली एमओ पॉजिटिव है। सबसे बड़ी चीज डिलीवरी का डाटा भाई, डिलीवरी 38% की। अभी के टाइम देखो जो डिमांड है, बिल्कुल डिमांड है अभी के टाइम, तो पैनिक ना हो, मतलब अगर लॉस भी हो रहा है तो थोड़ा समझे, यहाँ पे डिमांड है दोस्तों, ऊपर नीचे तो चलता रहेगा मार्केट के अंदर। आपको देखो जो मार्केट की वोलेटिलिटी को सहन करता है वही मार्केट का असली खिलाड़ी होता है। एंड एक चीज आपको समझना है कि लगाते ही तो किसी को प्रॉफिट होता है, बट देखो लगाते ट्रेड प्रॉफिट होता है, इन्वेस्टमेंट में अगर मोटा प्रॉफिट लेके जाना तो टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट आपको पैसा देगा। तो अभी के टाइम देखिए दोस्तों वोलेटिलिटी आप साफ साफ देख सकते हैं, स्टेक्स जो एएसएम की स्टेक्स फर्स्ट है उसमें अभी के टाइम में हमें देखने को मिल रहा है, करंटली भाई बॉटम से ये खड़ा हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा वोलेटिलिटी का सामना हमें करना पड़ेगा। एंड जो आरएसआई है, 60 का आरएसआई अभी के टाइम हमें नजर आ रहा है। एंड सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आप देखेंगे, देखो सपोर्ट मैंने आपको पहले ही दे रखा है। एंड अगर इस, देखो इस सपोर्ट को हम छोड़ दें तो इसके बाद दोस्तों स्टॉक ने दो बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, कितने पे, 27 रुपए के लेवल पे। तो अभी के टाइम सबसे इम्पोर्टेंट 27 रुपए का सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ से आसानी से नीचे नहीं आएगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत ही कंसोलिडेट कर सकता है जब तक तो कोई पॉजिटिव अपडेट ना मिले। एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट करके भाई अगेन ये धमाका यहाँ से करेगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं ऐसे ही बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे चार्ट पैटर्न, यहाँ से धमाका ये करेगा, थोड़ा बहुत धीरे 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 यहाँ से ऊपर जाने वाला है। एंड सबसे बड़ी चीज ये प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, तो अब यहाँ पे ज्यादा गिरावट नहीं होगी क्योंकि बॉटम से उठ रहा है, करंटली बॉटम है। एंड दोस्तों जो 1057 करोड़ के सेल किए गए हैं, ऐसी ब्लड डील चलती रहती है तो उसको ज्यादा सीरियसली ना ले। एंड दोस्तों सोचो किसी ने बेचा है तो डेफिनेटली किसी ने खरीदा भी होगा, तो जो खरीदने वाला यहाँ पे बेवकूफ नहीं है, जो इतना पैसा इस प्राइस पे लगाएगा, उसको वैल्यू दिख रही है तभी वो लगा रहा है। एंड चीजों को समझे, ठीक है ना, क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो आप लॉस करोगे। तो मार्केट को थोड़ा टाइम दे, मार्केट में थोड़ा पैनिक होना बंद करे, क्योंकि भाई मार्केट एक दिन का खेल नहीं है, मार्केट लंबा खेलने के लायक मार्केट आप बनिए, ठीक है ना। अगर लंबा खेलने के लायक अपनी सोच को आप बनाइए, तो अभी के टाइम अगर खरीदा है तो आप एवरेज भी कर सकते हो, एंड लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हो तो डेफिनेटली के टाइम जो प्राइस मतलब यहाँ पे खरीदारी वो भी की जा सकती है, कि चार से ज्यादा ओवर बोर्ड नहीं है एंड सपोर्ट के बिल्कुल पास है, तो डेफिनेटली यहाँ से नहीं गिरेगा, तो वेट करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि नए